हे गाइस, आरबी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन अब सभी शिफ्ट्स का हो चुका है खत्म। और अब सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठ के आ रहा है वो है कि आरबी असिस्टेंट का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रह सकता है। सो बेस्ड ऑन सम डेटा दैट वी हैव, हम एनालाइज करके फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि कितना हो सकता है कट ऑफ। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया था स्टूडेंट से, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए। और जब डेटा मेरे पास आया तो सबसे पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर दी थी जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली डेटा इनएक्यूरेट या फेक हो जाता है, और वो है उन लोगों को हटा दिया जाए जो लोग एक्चुअली अपियर हुए ही नहीं थे, केवल और केवल पोल में लगाने के लिए आ गए, तो उनको साइड करना ज़रूरी है, एल्स डेटा एक्चुअल में नहीं आ पाता, फिर कट ऑफ का जो विश्लेषण करना है वो नहीं निकल पाता। सो वी हैव एलिमिनेटेड दोज पीपल डिड नॉट अपियर या पोल चेक वाले हटा दिए हैं। नाउ बेस्ड ऑन द लेफ्ट ओवर्स, वैसे तो 75 से कम अटेम्प्ट करने वाले काफ़ी हैं, 75 से कम अटेम्प्ट करने वाले काफ़ी है, बट मोस्ट प्रोबेबली 75 से कम अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द लिस्ट, लेट्स बी फ्रैंक इनफ। ओके, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आरबी असिस्टेंट का जो पैटर्न है वो होता ही ऐसा है कि प्री का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी और मेन्स अच्छा खासा डिफिकल्ट, और इस बीच में ही उन्हें सेलेक्ट करना होता है। प्री में दे शॉर्टलिस्ट दोज पीपल जो फटाफट फटाफट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एंड मेंस में उन्हें एक्चुअल नॉलेज वाले लोग चाहिए होते हैं, तो हर तरह की स्किल को टेस्ट किया जाता है। तो उस बेसिस पे पिछले 4-5 साल से जैसा हम देखते आए हैं, आई डोंट थिंक सो 75 से कम अटेम्प्ट अगर आपने किए हैं तो यू आर गोइंग टू मेक इट, स्टिल उसको कंसिडर तो किया ही जाएगा। देन वी हैव सम अदर डेटा लाइक 76 to 78 जो है वो 4% लोग हैं, 79 to 81 2% है। मैंने बाइफरकेट बहुत छोटे छोटे रेंज में किया है जानबूझ के, सो दैट वी गेट एन एक्चुअल आइडिया ऑफ व्हाट द नंबर विल बी। ओके, देन 82 to 84 में अगर देखें तो 3% है, 4% सेइंग 85 to 87, देन वी हैव 88 to 91 जो है 4%, 92 to 94 अटेम्प्ट काफ़ी लोगों ने किया है, 8% लोगों ने, 95 to 97 कोई नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने 97+ अटेम्प्ट किया है। तो नाउ द पॉइंट इज एक्यूरेसी विल ऑल्सो कम इन टू प्ले, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो आप सीधे नीचे आ जाते हो, तुरंत -1.25 ही हो जाता है, क्योंकि एक जो गलत हुआ आपका वो प्लस उसके अलावा 0.25 माइनस हो गया है। सो नाउ बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स, कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स एंड कीपिंग इन माइंड जो प्रीलिम्स का कट ऑफ पिछले साल गया था 2022 में, पेपर काफ़ी लोगों ने बताया था सर इजी ही है, इजी था, कुछ जगह एक आध जगह ही मॉडरेट बताया गया था, और तब कट ऑफ 82.75 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी, एंड जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जिस रेंज में वो 90.75 की थी। बाकी एससी एसटी में हम 10 और 20 मार्क्स का माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा, ओबीसी में देखें तो 5-6 मार्क्स का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलता है। नाउ द पॉइंट इज 2020 में जहाँ पे लोगों ने ये भी आके बताया था सर पेपर बहुत ईजी था, मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा था, उस टाइप के क्वेश्चन थे, वहाँ कट ऑफ 87.75 एंड हाईएस्ट कट ऑफ 96.75 गया था, 87.75 इन मुंबई एंड 98.75 इन चंडीगढ़। नाउ द पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस साल क्या हो सकता है कट ऑफ। एज आई टोल्ड यू कि इस साल पेपर का लेवल जो था वो स्टूडेंट्स ने जैसा बताया तो ईजी तो था, बट कुछ जगह मॉडरेट था, रीजनिंग में कुछ पजल्स में फंस गए थे, कुछ DI में रह गया था क्वांट्स में, और इंग्लिश खैर ईजी था, इंग्लिश में किसी ने कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया, बट कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इंग्लिश में डेफिनेटली एक्यूरेसी हैम्पर होती है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो मेरा वर्डिक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ इस बार 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा कहीं भी किसी भी रेंज या कैन से स्टेट में या किसी भी जोन में। 90 से ऊपर अगर गया तो दो जोन जो हो सकते हैं कोलकाता एंड चंडीगढ़, इन्हीं में कहीं पॉसिबिलिटी दिखती है, एल्स आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस बार 90 के ऊपर कहीं कट ऑफ जाना चाहिए। तो कट ऑफ की रेंज जो है जो पिछले साल में 8 से 10 की रेंज रहती है बेसिकली सब स्टेट्स को कंसिडर करते हुए या सब जोन्स को कंसिडर करते हुए लोएस्ट से हाईएस्ट की, तो इस बार का मेरा जो रेंज है वो 81 से 88 के आसपास का है, 81 to 88 दैट इज़ वॉट आई विल से, हर रेंज को कंसिडर कर रहे हुए या हर स्टेट को हर जोन को कंसिडर करते हुए जनरल का कट ऑफ 81 to 88 के आसपास होना चाहिए। अब कितना जाता है वो देखा जाएगा। सो बस अगर आप इस वाली रेंज में आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड नहीं तो भी SBI क्लर्क है जो आगे आ चुका है, दैट मीन्स एग्जामिनेशंस रुके नहीं है। अगर आप बहुत कम करके आए थे, 75 से कम अटेम्प्ट करके आए थे, एक्यूरेसी भी नहीं श्योर है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SBI क्लर्क।
एल्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए तैयारी जरूर जारी रखें। एंड ध्यान रखना आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो या एसबीआई क्लर्क में भी मेंस आएगा ही आएगा, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं वहां पे भी आपको तैयारी तो पूरी ही करनी है, राइट। तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ दैट वे। एडिटोरियल का पोस्टमार्टम ये एक ऑसम सेशन होता है सुबह 8 बजे जो हम कंडक्ट करते हैं, एंड देन वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर आज जो हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का रात 10 बजे। एसबीआई क्लर्क की सीरीज हो चुकी है शुरू रात 10 बजे। तो इंग्लिश अपनी बेस्ट करने के लिए, इंग्लिश में हमेशा गुड मार्क्स या कहो बेटर मार्क्स लाने के लिए जस्ट ज्वाइन मी एंड सी द डिफरेंस, इनफैक्ट फील द डिफरेंस। दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन इंग्लिश सेक्शन। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।